हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली में कितना भी काम करो, दिवाली के अपन 15 दिन पहले से घर की साफ़ सफाई करना चालू करते, दिवाली के दिन तक भी काम पूरे नहीं होते। कितना भी करो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो जैसे दिवाली का दिन था, मैं और दी लेने निकल गए थे मिठाई, जो कि लास्ट में एडिशनल सामान लगता ही है, मिठाई और भगवान मतलब भगवान जी की पूजा करने के लिए कुछ फूल वगैरह लेने चले गए थे। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने आंगन में अच्छे से झाड़ू लगाई, पानी डाली और फिर बाद में मैंने रंगोली बनाई। इस बार इतना कुछ मन था नहीं तो मैंने रंगोली भी ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई, छोटी सी बनाई। और ये था शाम का कुछ लुक। इस बार हम लोग ने दिवाली सेलिब्रेट नहीं करे क्योंकि मेरे दादाजी को एक्सपायर्ड हुए 3 महीने भी नहीं हुए थे, तो हमने दिवाली नहीं सेलिब्रेट करे। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत रहता है शाम का, जैसे दिया जलाना, थोड़ा रंगोली वगैरह बनाना, यही सब करें। हमने कुछ लाइटिंग नहीं लगाए, कुछ नहीं। तो ये था शाम का थोड़ा लुक, तो आप देख सकते हो। आई नो ये वीडियो में काफ़ी लेट पोस्ट कर रही हूँ, बट इस बार कुछ भी चीज़ करने का मन ही नहीं था क्योंकि दादाजी थे तो घर पे अलग से ही रौनक रहती थी, लेकिन जो घर के सियान जो सबसे बड़े हैं वही नहीं थे। तो इस बार कोई भी चीज़ या ना कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का मन नहीं था, बट वो एक रहता है फॉर्मेलिटी काइंड ऑफ, तो हमने बस आई गेस वही करे बस थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें लगा कि अगर कोई आ गया, क्योंकि घर पे दिवाली के दिन कोई ना कोई आते रहते हैं, तो इसलिए तो हम थोड़ा बहुत जो भी रहता है पूजा वगैरह तो हमने बस वही करा। हमने इस बार शॉपिंग नहीं की, कुछ नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ करने का मन था ही नहीं। इसलिए मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको रंगोली कैसे लगी। ये जो भी रंगोली मैंने बनाई और फ्लावर से डेकोरेशन करी, ये सब मैंने करी हूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये जो रंगोली है मैंने एंट्रेंस में बनाई थी और मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, सिंपल क्यूट थी, और मैंने विंडोज़ में ऐसे थोड़े फ्लावर रख दी थी ताकि अच्छा लगे। मैंने ये था मेरी दिवाली का आउटफिट, मैंने एकदम सिंपल बस घर के कपड़े पहन ली थी जो कि काफ़ी कंफर्टेबल थे, और भगवान जी का मंदिर भी हमने थोड़ा सा सजाए थे, तो वही। जैसे कि दिवाली के दिन हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, तो मम्मी ने बहुत अच्छे से डेकोरेट करे थे लक्ष्मी माता के आजू बाजू में, जो दिए लगाए थे और हर एक चीज़ एकदम सिस्टमेटिक था। ये भगवान जी का नाश्ता, जो हमने दिवाली में नाश्ता नहीं बनाए, तो जो भी था हमने रेडीमेड ही चढ़ाए, तो ऐसा कुछ था ये सब लुक, और काफ़ी मस्त लग रहा था पूरा रेड कलर। और ये जो भोग रहता है, मतलब ये जो प्रसाद रहता है सबको देते वो, और ये है लक्ष्मी माता जो कि हमारे नागपुर में कोराडी माता मंदिर है, बस उन्हीं की फ़ोटो हमने लगाए थे। और ये था आज का भोग, शाम का छोले पूड़ी मस्त, और पान भी वहाँ हमने चढ़ाए थे, और फिर हम आरती। सुकून तो भगवान की पूजा करने से ही मिलता है, कुछ भी कर लो, कहीं पे भी चले जाओ। तो बस आरती हो गई थी, मैंने नॉडी को भी आरती दी, उसको भी अच्छे से टीका लगाई, और आज मैंने उसको बांध के रखी थी क्योंकि वो डर रहा था थोड़ा फटाके से, तो कहीं भाग ना जाए इसलिए मैंने उसको बांध के रखी थी। इसे पता नहीं दिए में क्या दिख रहा था, सोफे में चढ़ के दिख रहा था। तो अगर आपके घर पे भी पेट्स होंगे तो आप उनका बराबर ध्यान रखिए, उन्हें अकेला मत छोड़िए। तो मैंने भी आज के दिन नॉडी को ऐसी बांध के रखी थी। तो ऐसी रही हमारी कुछ दिवाली, आपकी कैसी थी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और आप सब अपना ध्यान रखना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।